माँ, बापू, भैन भरा सारे रोए, बहुत रोए, भुब्बा मार मार रोए। बापू दियां अखां, माँ दियां अखां, भरा दियां अखां रो रो लाल हो गई सी। वेख के इंज लगता सी जिवें घर दी रौनक आख रही होवे मैनू दो दिन होर रख लो। बेवस बाबल, बेवस माँ समझाती सी कि ये रीत है, चलती आई है तो इस तरह चलती भी रहेगी। बाबल प्यार नाल सिर पलोसता, माँ मत्था चुमदी, एहो आखी जान जा तीए अपने घर जा। परती कुट कुट माँ दे गल लग के रोई जावे। मैं सुभाविक ही पूछ लिया, ये सारे क्यों रो रहे ने? मैनू तो एवें लगता जिवें रब रो पैना तुहानू वेख के। तो मैनू जवाब मिलिया, हाँ रब भी रो रहा है, समझ काका तू। अज एक बाबल ने, एक माँ ने अपनी धी नू डोली विच बिठा के विदा किया। धी की डोली तोरन वेले जो हंजू माँ बाप दियां अखां विच आउंदे हन, ये समझ लै काका उदों रब ही रोंदा। मैं उत्थों चुपचाप उदास होके अपनी भैण वाल वेखन लग्या। मेरियां अखां विच रोना सी। उन्हें मर जानी ने पूछा, वीरे तुसी क्यों रो रहे हो? मैं अपनी भैन का मत्था चुम्या ते कहा, तू नहीं समझेंगी। मैनू तां हुण पता चलिया, जिस दिन तैनू विदा किया मैं अपने आप नू किवें संभालांगा। काश रब तैनू निक्की जिही गुड्डी वांग ही मेरे कोल रखे। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੁੰਬਲੀ ਤੋਂ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ।